हम गणपति नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र हरीश कौर फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज हम भगवान शिव के विदेशों में विद्यमान शिव मंदिरों पर चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि भगवान शिव के भी 12 ज्योतिर्लिंग जिनका विशेष महत्व है, जिनकी स्मरण मात्र करने से सभी पाप दोषों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। दोस्तों, आपको बता देना अनिवार्य समझता हूँ कि भारतवर्ष के अलावा पूरे विश्व में शिवलिंग और माता पार्वती के बहुत सारे मंदिर स्थापित हैं। मक्का में, जो कि मुस्लिमों का पवित्र क्षेत्र माना गया है, केवल मक्का में ही भगवान शिव के 2 शिवलिंग हैं। ग्लासगो स्कॉटलैंड में स्वर्ण आच्छादित शिवलिंग है। तुर्किस्तान में बाबलिन शहर में 1200 फुट ऊंचा शिवलिंग है। हेड्रोपोलिस शहर में 300 फुट ऊंचा शिवलिंग है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में अनेक शिवलिंग हैं। कोरिथ यूरोप में पार्वती माता का मंदिर है। मेक्सिको में अनेकों शिवलिंग हैं। कंबोडिया में प्राचीन काल में राजा राजेंद्र वर्मा द्वारा स्थापित शिवलिंग है। जावा और सुमात्रा प्रदेश में भी अनेकों शिवलिंग विद्यमान हैं। इंडो चाइना में अनेक भव्य देवालय एवं प्राचीन शिलालेख हैं। इन शिलालेखों में शिव विषयक लेख ही अधिक हैं, जिनके आरंभ में लिखा होता है ओम नमः शिवाय। सर विलियम जोन्स ने कहा है कि इजिप्ट का सुप्रसिद्ध स्थल और आयरलैंड का धर्म स्थल शंकर का ही स्मारक शिवलिंग है। इस विश्व में जो भी कुछ दृश्य देखा जाता है, जिसका वर्णन और स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही स्वरूप है। करुणा सिंधु महादेव अपने आराधकों, भक्तों और साधकों और प्राणी मात्र के कल्याण की कामना से उन पर अनुग्रह करते हुए स्थल स्थल पर अपने विभिन्न स्वरूपों में स्थित हैं। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तहाँ भगवान शंभु उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों के मनोरथ सिद्ध किए। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की विशेष महिमा का वर्णन शिवपुराण और स्कंद आदि पुराणों में किया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि द्वादश ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण मात्र कर लेने से समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। सातक शुद्ध निर्मल अंतकरण वाला हो जाता है और उसे अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है, तथा वह विशुद्ध बोध में विज्ञान में होकर सर्वथा कृतार्थ हो जाता है। यहाँ मैं द्वादश ज्योतिर्लिंगों का संक्षिप्त वर्णन करना चाहूँगा। बहुत ही सुंदर श्लोक में वर्णन करते हुए बताया गया है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जिन्याम महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हिमवत्पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुकावने सेतुबंधे च रामेशम घुष्मेशम च शिवालये द्वैतस्थाने नामानि प्रातरुत्थाय भवेत् सर्व पापे विनिर्मुक्तो सर्व सिद्धि फलम लभेत। अर्थात सौराष्ट्र प्रदेश कठियावार में श्री सोमनाथ शिवलिंग, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओमकार में परमेश्वर, हिमाचल में श्री केदारनाथ, डाकिनी में श्री भीमशंकर, काशी में विश्वेश्वर महादेव, गौतमी तट पर त्र्यंबकम, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश्वर, सेतुबंधि में श्री रामेश्वरम और शिवालय में स्थित घुष्मेश्वर, ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं। जो प्रातःकाल मनुष्य इनका उठकर पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। ओम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, यदि हमारे बनाए ये वीडियो आपको रोचक लगते हैं और आपको पसंद आते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनको अवश्य लाइक और कमेंट्स दें। और यदि आपको लगता है कि हमारे को कुछ और अन्य टॉपिक पे भी कुछ अच्छी वीडियो बनाने हैं, तो आप अवश्य उनको हमें अवश्य कमेंट्स के माध्यम से बताएं।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। नमस्कार।